हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। आपने हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह में आपने डॉक्टर को लगाते हुए किसी मरीज को देखा होगा, तो एक बोतल होती है उस पर लिखा होता है डीएनएस। तो डीएनएस के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ पूरा, ये क्या है, कैसे काम करता है, किन मरीजों को लगाया जाता है, किन मरीजों को नहीं लगाया जाता है, किस कंडीशन में मरीज को लगाना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या यूज़ है, क्या डोज है। मैं पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखते रहिए वीडियो को, और पूरा वीडियो आप देखोगे तभी समझ में आएगी, क्योंकि कुछ लोग हैं बिना पूरी देखे और कमेंट करने चालू कर देते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, डीएनएस एक आईवी फ्लूड है जो जनरली मार्केट में कहीं भी मेडिकल स्टोर वगैरह पर मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, डीएनएस में होता है 5% डेक्सट्रोज और 0.9% नॉर्मल सेलाइन। ये दोनों चीज़ें जो होती है इस डीएनएस के अंदर होती हैं। तो दोस्तों, ये जो मार्केट में अवेलेबल है 250 ml, 500 ml, 1000 ml तक जो है ये अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैं हूं फार्मासिस्ट आरिफ खान और आप देख रहे हैं फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। आरिफ फार्मा क्लिनिक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जो डीएनएस होती है इसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 4। वो उस पर पीएच लेवल इसका 4 होता है, जिस पे ये मेंटेन रखा जाता है इसको। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके यूज के बारे में कि डीएनएस का यूज कब किया जाता है। तो दोस्तों, डीएनएस का यूज जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को बहुत ज़्यादा उल्टी, दस्त हो रहे हों और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो इनबैलेंस हो जाते हैं, तो तब इसका यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हों, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब डीएनएस का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिन मरीजों में ज़्यादा वीकनेस, मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी है, इस तरीके से लगता है, उनमें भी इसका यूज़ जो है किया जाता है। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जिन मरीजों का जो ऑपरेशन होता है और उसकी वजह से जो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से जो होता है तब भी जो है डीएनएस का ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। और फ्रेंड्स, जो बॉडी में एन ए होता है, मतलब सोडियम होता है, उसकी कमी जब आ जाती है तब भी डीएनएस का यूज किया जाता है। मतलब जो लो हो जाता है सोडियम लेवल बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए भी डीएनएस का ही यूज जो है डॉक्टर करते हैं। और दोस्तों, मेनिंगाइटिस एक रोग होता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जो गर्दन के पीछे है यहाँ पर दर्द होता है और सर में भी दर्द होता है, मतलब तब इसका डॉक्टर जो है यूज करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जिसमें डॉक्टर जो इसका यूज करते हैं डीएनएस का। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके यूज। और एक जो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं, यानी उनमें, तो दोस्तों करते हैं इसका यूज, डीएनएस का जो यूज है प्रेग्नेंट लेडी में भी करते हैं, बट अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर ही इसका यूज करें, क्योंकि जो है कोई भी फ्लूड हो या कुछ, कोई भी मेडिसिन हो, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है, मतलब उसकी वेट कंडीशन के हिसाब से ही जो है दवाई दी जाती है, या फ्लूड वगैरह जो इंजेक्शन जो भी है उसकी कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। अब मैं बात करूँगा इसकी डोज के बारे में। डीएनएस की डोज क्या है, खुराक मतलब, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इसकी डोज की अगर हम बात करें तो डीएनएस की जो डोज है 500 ml से 2000 ml तक पर डे दे सकते हैं। मतलब 500 ml की जो है 4 बोतल 24 घंटे के अंदर हम जो है पेशेंट में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, 10 ml या 100 ml पर आवर के हिसाब से, कंडीशन के, मतलब जो मरीज की कंडीशन है उसके हिसाब से हम इसको जो है बॉडी में फ्लो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डीएनएस के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि डीएनएस के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो जर्नली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। फिर भी होता क्या है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, एक थ्रम्बोसिस करके एक बीमारी होती है, उसमें होता क्या है, जब जहाँ पर सुई लगती है वहाँ से उस नस में, मतलब 10 से 12 इंच तक जो है नस जो है लाल हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, ऐसा होता है, और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस तरीके का जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने का डीएनएस का मिल सकता है। और फ्रेंड्स, नॉर्मली मतलब चक्कर आना और सर में दर्द होना, उल्टी आना, इस तरीके के जो देखने को आपको साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात, ये बात तो होगी साइड इफ़ेक्ट की, अब हम बात करेंगे वार्निंग्स के बारे में। कुछ जो है इसकी चेतावनियाँ हैं, वार्निंग है, कब किन मरीजों को नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जो
हार्ट फेलियर पेशेंट हैं, किडनी प्रॉब्लम है और लीवर प्रॉब्लम है, इस तरीके के मरीजों को हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें इसका यूज कर सकते हैं, अब फिर भी अपने एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। दोस्तों ये थी डीएनएस की फुल जानकारी, और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें।